नमस्ते दर्शकों, आज हम खड़े हैं मोरिस गैराज के सामने और हम बात करने वाले हैं एमजी एस्टर की। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा कि एमजी एस्टर के बारे में मैं सारी चीज़ें आपको वीडियो में मिल जाएंगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इंटीरियर एक्सटीरियर, ऑन रोड प्राइस, सब कुछ आपको वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम इमरान अहमद सिद्दीकी है और मैं बेसिकली एमजी लखनऊ से हूँ और यहाँ पर मैं सुल्तानपुर ब्रांच पे एज ए ब्रांच मैनेजर और कह सकते हैं कि सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। और थैंक यू सर। अब दर्शकों को आप थोड़ा बता दीजिए एमजी एस्टर के बारे में कि क्या क्या खूबियाँ हैं गाड़ी में और अगर वो परचेस करना चाहें तो क्यों परचेस करें इस गाड़ी को। बेसिकली सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो प्लेटफॉर्म पे बनी है, ये प्लेटफॉर्म हमारा ZS प्लेटफॉर्म है। जी, ZS प्लेटफॉर्म जो है हमारा, ये 5-star रेटिंग में NCAP टेस्ट है। जी, मतलब ये गाड़ी बहुत मजबूत है। जी, इसी ZS प्लेटफॉर्म पे हमारी ईवी आती है जिसे हम ZS ईवी कहते हैं। इलेक्ट्रिक वेरिएंट है ना वो, इलेक्ट्रिक है। और ये जो पेट्रोल आती है इसे हम ZS एस्टर कहते हैं। तो ये पेट्रोल वेरिएंट है बेसिकली हमारा। जी, इसमें हमने बेसिकली है जो मॉडल है वो हमारा ईवी का, इससे बहुत कुछ मिलता जुलता है। जी, बट ये बहुत चीजों में उससे अलग है, बहुत से डिजाइन और लुक और बहुत सारी चीजों में चेंज किया गया है इसमें। ये प्योर पेट्रोल व्हीकल है, अभी ये सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में आती है। जी, और आपका स्टार्ट अगर करें तो सबसे पहले हमारा जो एमजी का लोगो है वो आपको सामने मिल जाता है। और इसके बाद जो आप ग्रिल देख रहे हैं इसमें, ये सेलेस्टियल बोल्ट ग्रिल है। ये जैसे रेज किरणें निकल रही हो सुबह के टाइम और वो फैल रही हो, उस तरीके का शो करता है, जो बहुत प्रीमियम लुक देता है और बहुत ही अट्रैक्ट करता है लोगों को, बहुत प्यारा लगता है। और इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे हेडलैम्प्स हैं, ये हॉकाई हेडलैम्प्स हैं। तो ये बेसिकली इसमें DRL भी दिया हुआ है जो फुल LED है। ये DRL LED लाइट देख सकते हैं कितना प्रीमियम लुक है इसका यहाँ पे। और आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे सेम। और ये जो आप ये छोटे छोटे देख रहे हैं ये सब डायमंड क्रिस्टल्स में आए हैं और हाई बीम लो बीम के साथ आता है। एक ही लैम्प यहाँ पे आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया है। तो ये जब जलता है तो बहुत अच्छा व्यू देता है और हॉकाई हेडलैम्प्स जो है वो बहुत ही स्टाइलिश लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। नीचे हमने फॉग लैम्प दिया हुआ है। फॉग लैम्प जो है हमारा, ये कॉर्नरिंग फॉग लैम्प है। जब गाड़ी कभी भी आपकी टर्न होगी तो अगर आपका फॉग लैम्प ऑफ है तब भी वो ऑटोमेटिकली जल जाएगा, ऑन हो जाएगा। और ऑन होने के बाद आप, ये इसलिए है कि आपको विजिबिलिटी जो है वो बेटर मिले और अच्छी मिले, आप और अच्छे से देखें। अगर आप ऑन रखते हैं तो ये तो एक अलग चीज हो गई, अगर आप ऑफ रखते हैं तो जहां आप कॉर्नर पे जाएंगे वहां पर वो ऑन हो जाएगा। सर, सर ईवी वेरिएंट में वो चार्जिंग स्लॉट कहां पे रहेगा? ईवी वेरिएंट ये आपका जो लोगो है यहीं पे मिल जाएगा ना? हां, यहीं पर सेम मिलता है, वो निकाल करके आप वहां पर चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 5 कैमरे दिए गए हैं और 6 रडार दिए गए हैं। और सबसे पहली चीज कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि MG जो भी गाड़ियां लेकर के आया है इंडिया में, जो भी गाड़ी लेकर आया है एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ लेकर के आया था। हेक्टर आई थी तो वो इंडिया की पहली इंटरनेट कार थी। वॉइस कमांड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्लॉस्टर आई हमारी वो फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट ऑटोनोमस लेवल 1 कार थी। इसके बाद ईवी हमारी जो है वो प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ी थी। अभी हम एस्टर लेकर के आए हैं, ये हमारी इंडिया की पहली ऑटोनोमस लेवल 2 और आपका पर्सनल असिस्टेंट, ऑटोनोमस लेवल 2 एंड पर्सनल असिस्टेंट। फर्स्ट टाइम कोई गाड़ी में आपको पर्सनल असिस्टेंट मिल रहा है। तो जो भी आपको जब आप गाड़ी से बात करते हैं तो आपको रिस्पॉन्ड करता है। विकिपीडिया के अंदर जितनी भी चीजें आती है अगर आप उसे पूछेंगे तो वो सारी चीजें वो आपको आंसर करेगा और साथ में हमारे टच स्क्रीन पे लिख करके आएगा। इसके बाद ये जो आप साथ में ORVMs देख रहे हैं, जी, ये ORVMs आपका जो है ये हीटेड ORVM है। अच्छा। जब गाड़ी में फॉग आता है तो पीछे जो डिफॉगर दिया होता है, जब आप वो डिफॉगर ऑन करते हैं तो डिफॉगर ऑन करने से
आपका जो है पीछे का शीशा पूरा क्लीन हो जाता है। सेम उसी तरह ये हमारा बाहर का जो दोनों फॉग लैंप है ये भी क्लीन है। यहाँ पर भी सेंसर्स के साथ आपको, और उसके साथ प्लस में हमने यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम ये लेकर के आए थे कि जैसे रियर कैमरा होता है वैसे ही हमने फ्रंट में भी कैमरा दिया, और गाड़ी के दोनों साइड आप देख सकें उसके लिए हमने ORVM पे कैमरे दिए। तो जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं बेसिकली और आपकी स्पीड जो है वो 15 से बिलो होती है, उसके बाद अगर आप जैसे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो पीछे आपकी गाड़ी को कोई टच कर रहा है, साइड से कोई करके निकल रहा है या सामने कोई है, तो एक 360 डिग्री व्यू पूरा आपको आपको गाड़ी जो है वहां पर चारों तरफ आपको दिखाई देगा कि किस तरफ कौन आ जा रहा है स्लो मोशन में। और एक एक पार्ट में आपको पर्टिकुलर एरिया जहां पर आप कुछ बड़ा सा करके देखना चाहते हैं एक पार्ट में आपको बड़ा भी दिखाएगा, वो आप जस्ट टच कर देंगे तो चाहे वो रियर हो चाहे फ्रंट हो चाहे राइट लेफ्ट वो भी आपको शो करेगा। मैं एक बार कैमरा भी दिखा दूं सामने से। बेसिकली इसमें तो ये लोगों के नीचे कैमरा भी लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ, मैनुअल में तो हमारे कैमराज आते हैं लेकिन जब आप ऑटोमेटिक वेरिएंट में आते हैं, ऑटोमेटिक में हमारे दो वेरिएंट आते हैं CVT और AT। तो CVT और AT दोनों में अगर आप शार्प ऑप्शनल में जाते हैं टॉप वेरिएंट में तो आपको 6 रडार और 5 कैमरे मिलते हैं। इसकी मदद से हम ये जैसे मैंने आपको बताया पहले अभी कि ये फर्स्ट टाइम इंडिया की पहली ऑटोनोमस लेवल 2 और पर्सनल असिस्टेंट के साथ आई हुई गाड़ी है, तो वो जो ऑटोनोमस लेवल 2 है वो जो वर्क करता है वो इन 6 रडार पे और 5 कैमरों पे करता है। आगे आपका पहला रडार जो है वो ये है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें लगा हुआ है, ठीक है। कैमरा आपका फ्रंट में यहाँ लोगों के नीचे है, ठीक है। और 5 कैमरे हैं इसमें, जैसे मैंने बताया था कि हेक्टर में हमारे 4 कैमरे आते हैं, इसमें 5 हैं क्योंकि वो ऑटोनोमस लेवल 2 को हमें वर्क कराना है। एक कैमरा वहां सामने आता है, एक यहाँ ऊपर आता है, वो देखिए बीच में आपके सेंटर में लगा हुआ है। तो 2 ये हो जाते हैं और 2 आपके ORVM में हो जाते हैं और एक पीछे हो जाता है, टोटल 5 कैमरे यहाँ पे। 5 कैमरे कंपनी प्रोवाइड करा रही है, जो है वो एक आगे है और 5 पीछे, टोटल 6 रडार। तो सर ये कहीं ना कहीं एडास से भी रिलेटेड है, एडास के लिए ही है, एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम आपका इसी पे पूरा बेस्ड होकर के वर्क करता है। और अगर आप डायमेंशन की बात करें तो सबसे लंबी लेंथ वाइज हमारी गाड़ी है, इस गाड़ी का जो लेंथ है ओवरऑल वो 4323 mm है, ठीक है। और इसका जो वेथ है वो 1809 mm है। हाइट की अगर हम बात करें तो 1650 mm है, और अगर व्हील बेस की हम बात करें तो व्हील बेस हमारा 2585 है। कि बूट स्पेस की तरफ चलते हैं सर, एक बार खोल के इसको दिखाइए। एक डिफरेंट चीज है, मतलब ये बिल्कुल अलग सा है। आप जैसे नॉर्मली लोग पीछे जाते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि बूट कहां से ओपन होगा, जी सर। बट इसमें एक सस्पेंस है कि आप कहां से ओपन करेंगे, आप ही सोचिए कहां से ओपन कर सकते हैं। जी जी, कुछ आइडिया लगाइए। अभी तो फिलहाल कोई आइडिया नहीं है सर। इसका बूट जो है हमने बिल्कुल कुछ अलग सा करा है, जस्ट इसके लोगो में है, आप ऐसे प्रेस करेंगे। ये सर यूनिक फीचर भी लगता है सर। हाँ, बिल्कुल अलग चीज है और इसमें काफी स्पेस भी है सर। स्पेस बहुत अच्छा दिया गया है सर, और ये आपका पार्शियल ट्रे है, अगर आप यहाँ पे भी आप हटा के भी सामान रख सकते हैं, फिर लगा के देते हैं। जी जी, हटा करके भी ये पूरा स्पेस आ जाता है। जी जी, काफी स्पेस है सर इसमें, और इसके बाद ये चाहे तो आप इसके साथ रख सकते हैं। इसके नीचे हमारी स्टेपनी आ जाती है, स्टेपनी आपको इसके साथ में मिल जाती है। जैसा कि आप टेल लाइट हमारी देख रहे हैं ये भी बहुत स्टाइलिश है, और इसके लाइट मैं दिखाता हूं आपको जस्ट। ये सर ये प्रीमियम लग रहा है, ये लाइट जो है बिल्कुल डिफरेंट है। ये स्टाइल अभी लेटेस्ट आया है और ये बिल्कुल डिफरेंट है। नॉर्मली आपको और किसी गाड़ी में इस तरीके की लाइट नहीं मिलेगी, बहुत ही अट्रैक्ट करती है लोगों को, बहुत स्टाइलिश है। तो कंप्लीट व्यू हम आपको एक बार दिखाते हैं इंटीरियर में बैठ के कि कैसा क्या है सब कुछ। ये सर स्टार्ट स्टॉप बटन भी है। तो बताना चाहूंगा कि
ये आपका पर्सनल असिस्टेंट है जो आपके फेस्टिवल्स पे आपको विश करेगा, और आप इससे कोई भी चीज़ पूछेंगे तो एज अ पर्सनल असिस्टेंट ये आपको असिस्ट करेगा, आपको बताएगा। विकिपीडिया के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें ये आपको बताएगा। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो ये डैशबोर्ड वगैरह है हमारा, ये बिल्कुल सॉफ्ट टच है, यहाँ आपको प्योर लेदर यूज होता है और यही लेदर आपका ओवरऑल आपके सारी सीट्स में यूज होता है। स्टीयरिंग पे आपको फुल सारे कमांड्स मिल जाते हैं, आप यहाँ से क्रूज सेट कर सकते हैं, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल हमारे डैश के अंदर आता है वो आप कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, फोन को ऑपरेट कर सकते हैं, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बाइक लग चाहे लॉन्ग ड्राइव पे चाहे आप कहीं भी जाएं, सब कुछ कंट्रोल आपके हाथ में है सर। स्टीयरिंग की मीटर की बात करें तो हमारे इसमें आपको जो है माइलेज शो होगा, टायर प्रेशर भी शो होता है, और इसके अंदर आप टायर का टेम्परेचर तक शो होता है कि आपके टायर का टेम्परेचर कितना है। सर डिजिटल स्पीडोमीटर है कि? जी ये डिजिटल है, ये डिजिटल है। और जैसा कि अभी इसमें दिखा रहा है ऑलरेडी कि अभी हम इसमें इतना तेल है कि हम 80 किलोमीटर जा सकते हैं, और गाड़ी जो है ये कितनी रन हुई है ये भी शो हो रहा है कि 1084 किलोमीटर रन हो चुकी है। अब बात करते हैं हमारी टच स्क्रीन की, तो इस सेगमेंट में मिड कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट या मिड एसयूवीज में अगर आप देखें तो सबसे बढ़िया व्यू वाला सबसे अच्छा टच स्क्रीन हम देते हैं। और इसमें ये आपकी होम स्क्रीन है जिसमें आपको वेदर, क्योंकि इसमें जियो का सिम एम्बेडेड है और वो 4G स्मार्ट सिम है, तो वो जब 5G आएगा तो उसमें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है ये प्रॉपर वे में देता है। और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये आपका होम स्क्रीन है, ये फर्स्ट आप जो देख रहे हैं ये आपका वेदर के लिए है, आपका वेदर आपके एरिया में बताता रहेगा। नीचे आप नेविगेशन देख रहे हैं क्योंकि इसमें जियो का सिम एम्बेडेड है और इंटरनेट चल रहा है, तो नेविगेशन हमारा मैप माई इंडिया के साथ हमारा टाई अप है, तो मैप माई इंडिया जो है वो हमें असिस्ट करता है और बताता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि नेविगेशन डाल दिया गया है, फिर वही एक नेविगेशन जब आप खोलेंगे तो आपको शो करेगा, यहाँ मैप माई इंडिया के थ्रू अपडेटेड अगर कोई चेंजेस भी हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ शो करेगा। सेकंड ये जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर ये आपका एसी का है, यहाँ पर आप जाकर के एसी को अपने हिसाब से मॉनिटर कर अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको सारी चीजें सही है, गरम अगर आप करना चाहते हैं हॉट तो आप यहाँ पर जा सकते हैं हीटर के लिए, और नीचे अगर आप माइनस में आएंगे तो आपका एसी कूल करेगा, सो मैनुअल अपने अकॉर्डिंग से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका जो है एयर्स का है कि आप कितने तेज फैन आप चलाना चाहते हैं, इसको आप कम करना चाहते हैं तो ये कम होता चला जाएगा। और ये आपका होम बटन है, इस पे जस्ट सारे सर बटन है, मैनुअली बटन है, ये मैनुअली बटन है, ये जस्ट आप एक बार क्लिक करेंगे और आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, ये आपका होम स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पर आपके फंक्शंस दिए हुए हैं, हाय एमजी और आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं सर। एक बार दर्शकों को 360 के बारे में, हाँ 360 व्यू ये जस्ट आपने क्लिक सर, किया हाँ। सर, ये जो होगा ये जो आप देख रहे हैं सर, हाँ ये जो आप देख रहे हैं ये एनिमेटेड है, ये एनिमेटेड होता है कि गाड़ी के प्लेस को कंपनी जो है ये तरीके से बना रखा है टेक्नोलॉजी वाइज, यहाँ पर आपकी गाड़ी दिख रही है जो एक्चुअल है, ये एनिमेटेड है। इसके बाहर जो चीजें दिख रही है चारों तरफ वो एक्चुअल है, यहाँ सामने आपके फ्रंट में कैमरा है, रियर में है, इधर इधर, अब क्योंकि आप यहाँ पर फ्रंट में ज्यादा बड़ा देखना चाह रहे हैं, आपको डीप में दिखे तो यहाँ पर टच किया, अगर जैसे आप यहाँ टच करेंगे तो यहाँ दिखाने लगेगा, आप लेफ्ट टच करेंगे तो आपका लेफ्ट साइड दिखाएगा, राइट टच करेंगे तो राइट टच दिखाएगा, ये थ्री डी में है और आप थ्री डी में देख सकते हैं। और ये इसके साथ साथ कंपनी ने हमारे इसमें सेंसर्स भी दिए हैं, जब आप गाड़ी 360 व्यू में देखते रहते हैं और कोई पास से सट के निकलता है तो एक तो आप देख करके सेव कर सकते हैं, और दूसरा बीप साउंड भी आता है जब बहुत करीब से कोई निकलता है, अच्छा तो आपको पता लग जाता है कि आपके पास से कोई बस का शोर निकलने वाला है। सावन में आपको ओरिजिनल सॉन्ग क्वालिटी मिलेगी, ये यहाँ पर आप जाकर के इंटरनेट के साथ अनलिमिटेड सॉन्ग सुन सकते हैं और अपनी पसंद का चूज करके बजा सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा सॉन्ग क्वालिटी भी, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है ना सर, बहुत अच्छी है। आपको फील आएगा तो सर कंपनी ने पूरा लग्जरियस सर्विस भी एकदम दिया है, पूरा लग्जरी आपको बैठ के फील आ रहा होगा कि जी जी बिल्कुल, मतलब वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस व्हीकल की तरह है सर। स्टीयरिंग व्हील भी एडजस्टेबल ही है, एडजस्टेबल है जी जी जी। साउंड आप देख लीजिए, साउंड यहाँ पे लगेंगे इसकी डैशबोर्ड के ऊपर, ऊपर की तरफ सनरूफ भी है सब। Hello Esther. Hi. How can I help? Please open the sunroof. तो ये फीचर आप देख रहे हैं
जो कि कंप्लीट लग्जरियस फीचर है, कहीं पर भी आपको ज़रा सा इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको वॉइस से बंद भी कर सकते हैं, आप इसको वॉइस से चालू भी कर सकते हैं, और इसको आप मैन्युअली चाहें तो मैन्युअली भी कर सकते हैं। ये जस्ट आप एक क्लिक करेंगे और ये आपका पहले ग्लास खुल जाएगा सर। मैन्युअली भी है और ऑटोमेटिक भी है। ये अगर ग्लास अगर आप सिर्फ ओपन रखना चाहते हैं, ग्लास देखना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी, तो ये आप ऐसे सिर्फ ग्लास ओपन कर सकते हैं। बट आई स्टिल डिडंट गेट दैट, प्लीज ट्राई अगेन। जो रात में बहुत अच्छा व्यू देता है, चांदनी रात में या बारिश के मौसम में, और ये पैनोरमिक है, एंड तक है, तो बहुत अच्छा विजिबिलिटी आती है, बहुत अच्छा व्यू। सॉरी आई एम हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग, यू मे प्रेस द टॉक बटन टू ट्राई अगेन। आप देख सकते हैं आश्रम से लगातार बात कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल जैसे बात सवाल पूछने वाली चीज थी तो वो भी मैं करके दिखा देता हूं। हेलो एस्टर, आई एम लिसनिंग, टेल मी अबाउट ताजमहल। द ताजमहल इज एन आइवरी वाइट मार्बल मॉसोलियम ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन द इंडियन सिटी ऑफ आगरा। It was commissioned in 1632 by the Mughal Emperor Shah Jahan to house the tomb of his favorite wife, Mumtaz Mahal. It also houses the tomb of... तो यहाँ पे आपको बोर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप एस्टर से बात कर सकते हैं, एस्टर से आप खेल सकते हैं, कंप्लीट आप टाइम पास कर सकते हैं एस्टर से। तो आप अकेले जाएं चाहे, चाहे फैमिली के साथ जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। कंप्लीट प्रीमियम लुक के साथ गाड़ी आ रही है, कंपनी ने पूरा फीचर सब कुछ एडवांस फीचर दिए हैं, सिक्योरिटी का पूरा सेफ्टी का एकदम ध्यान दिया है। सर कितने रेटिंग इसको मिले हैं? 5-star रेटिंग हमारे ZS प्लेटफॉर्म को मिला है। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल डिसेंट, हिल होल्ड एंड आपका ट्रैक्शन कंट्रोल और ब्रेक असिस्ट, ये सारे जितने भी मैक्सिमम फीचर्स आते हैं, जो कुछ भी आता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें इसमें दी गई है। चारों टायर में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, 6 एयरबैग्स इसमें दिए गए हैं, और इसके साथ साथ ये ZS प्लेटफॉर्म जो है ये 5-star रेटिंग के साथ NCAP टेस्ट में पास है।